रांची के मेन रोड हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान जांच सही तरीके से नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि क्यों ना सीबीआई से पूरे मामले की जाँच कराई जाए। तो गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है हाईकोर्ट ने। आपको बताएं कि मेन रोड हिंसा मामले में कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि क्यों ना सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है हाईकोर्ट ने। मेन रोड हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी आयुष, हमारे साथ मौजूद है। आयुष, मेन रोड हिंसा मामले में हाईकोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है, बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है और साफ तौर पर कहा है कि अगर हालांकि तलब किया है गृह सचिव और डीजीपी को, साथ ही कहा है कि क्यों ना इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। बिल्कुल, ऐसा देखिए बताना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है कि आगामी सुनवाई 15 दिसंबर को कोर्ट जो अदालत है वह मामले की जांच सीबीआई को दे देगी। जी हां, देखिए आज झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में इस सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने यहां देखा कि जो जांच है इस पूरे 10 जून को जो हिंसा हुई थी रांची में, उसकी कुछ केसेस की जांच एक तो सीआईडी कर रही है, दूसरी जो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी है वो अलग अलग केसों पे जांच कर रही है। तो ऐसे में ये जांच अब तक 10 जून के बाद, अब कह सकते हैं साल का अंत हो रहा है, ये जांच कहां तक पहुंचा है या स्पष्ट कुछ निकल कर सामने नहीं स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो डीजीपी और माफ कीजिएगा मुख्य गृह सचिव और डीजीपी को तलब करते हुए पूछा है कि जो एसएसपी थे उस तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, उनको जो ट्रांसफर किया गया उसके पीछे क्या अनिवार्यता थी, क्योंकि जो फाइल जो हाईकोर्ट पहुंचा है उनके ट्रांसफर को लेकर वो उसमें स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ उनको ये ट्रांसफर करके वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर दिया गया, तो अदालत ने पूछा है इसकी क्या अनिवार्यता थी। तो अब देखिए जांच की कड़ी जो है वो कहीं तक पहुंच नहीं पाई है। सीआईडी और एसआईटी इसमें जांच कर रही है लेकिन कुछ निकला नहीं है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि 15 दिसंबर जो तिथि होगी वो इस मामले के लिए अहम तिथि होगी और किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपा जाएगा। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा की जो कह सकते हैं कि ट्रांसफर हुआ था और ट्रांसफर होने के साथ साथ उनके वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर रख दिया गया था, तो उस पर क्या कुछ जो है गृह सचिव और जो है डीजीपी जवाब देते हैं तो ये अहम रहेगा। देखिए 10 जून को जो हिंसा हुई थी उसमें 3 लोग जो है वो लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि यदि अगर जो कह सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की अगर किसी मामले में जान जाती है तो उसकी जांच जो है सीआईडी करती है, तो इससे जवाब से वो अदालत संतुष्ट नहीं नजर आए। और इस 15 दिसंबर की तिथि है वो मुकर्रर की है। 10 जून की हिंसा में ये जिस पंकज कुमार यादव ने दायर की है याचिका दायर की है और साथ ही साथ इसमें जो असुद्दीन जो एमपी है असुद्दीन ओवैसी और साथ ही साथ एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसको इसके पीछे बताया है। इसके साथ ही साथ जो इसमें मांग की है कि इसकी जांच एनआईए से की जाए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। तो ऐसे में कोर्ट ने भी यह माना है क्योंकि अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, वो चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात करें आज तक सीसीटीवी फुटेज जो है अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। कई मामले बिंदुओं पर जो जांच करने के लिए अदालत ने कहा था उन बिंदुओं पर जो कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट करने वाली जैसी नहीं है। तो ऐसे में अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। 10 जून को जब हिंसा हो रही थी तो इस दौरान कई बातें सामने आई थी।
इसमें इंटेलिजेंस जो है एक बड़ा फेलियर माना गया था। सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। ये पूरा मामला आपको बता दें कि नुपुर शर्मा जो है उनके बयान पर जो है ये हिंसा भड़की थी और इसमें कई लोगों की जान गई थी, कई घायल हुए थे जिनका इलाज रिम्स में चला था। तो देखिए ये जो पूरा मामला है, अब कह सकते हैं कि साल के अंत तक जब 15 दिसंबर को इसमें कह सकते हैं अगले सप्ताह सुनवाई होगी तो ये इसमें कुछ निकल कर सामने आएगा। और अगर इसमें स्वतंत्र एजेंसी जांच करती है तो यह कह सकते हैं कि जो चीजें हैं, जो कह सकते हैं कि क्या इसके जो घटना को अंजाम देने के लिए कौन इसके पीछे लोग थे और कैसे यह घटना को अंजाम दिया गया और कैसे इतने बड़ी संख्या में लोग जो है जुट गए, तो ये पूरा माजरा ये समझ में आएगा। तो अब इंतजार अदालत का, जब 15 दिसंबर को सुनवाई होगी, गृह सचिव और डीजीपी जो है वो अदालत के सामने हाजिर होंगे और जवाब देंगे। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आखिर अदालत जो है अंतिम सुनवाई करते हुए क्या उसको सीबीआई को देती है या नहीं। जी राजदा, चलिए तो 15 दिसंबर का इंतजार है, जब गृह सचिव और डीजीपी तलब किए गए हैं हाईकोर्ट में, उनसे पूछताछ होगी और फिर देखना यह है कि जज क्या कुछ फैसला सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष जानकारी के लिए। तो गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया गया है। बताएं आपको कि रांची हिंसा मामले में सही तरीके से जांच नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।